हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम कहते हैं आपको हमारे चैनल में। तो ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मेन किंगडम्स। तो जो मेन किंगडम्स होते हैं उसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे, डिफाइन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेंगे। कुछ फीचर्स कैन हेल्प यू इन क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स। कौन से मतलब फीचर होते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करने में। देखिए, वी बिलोंग्स टूगेदर, हेल्प मी फाइंड माई ग्रुप प्लीज, हाउ अबाउट अस। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। विच ग्रुप डू आई बिलोंग, ये कौन से ग्रुप से इसको ये बिलोंग करता है। तो इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, आगे पढ़ते हैं इसको। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडी नीड्स करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग थिंग्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने के जो स्टडी करेक्टर्स लाइफ और साइकिल लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। देखिए, यू हैव आल्सो स्टडीड डेट लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन बेसिस ऑफ फूड दे ईट। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो लिविंग थिंग्स होती है उनको क्लासीफाई कैसे किया गया था, उनका जो खाना होता है उसके बेसिस पे। देखिए, नाउ वी विल स्टडी इन अदर वे फूड लिविंग थिंग्स इन ग्रुप्स। अब हम दूसरा जो तरीका होता है लिविंग थिंग्स को ग्रुप में रखने का, उसके हिसाब से उसकी स्टडी करेंगे। ऑब्जर्व ऑल लिविंग थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स। ऑब्जर्व करें जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या करें, ऑब्जर्व करें। साइंटिस्ट कॉल्स दीज लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स। साइंटिस्ट ने उनको क्या नाम दिया है, ऑर्गेनिजम्स के नाम से। ये मैनी लिविंग थिंग्स आर लाइक इन सम वे, बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी तरह ही होते हैं। दे कैन बी पुट इन टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वेज दे आर लाइक। पुटिंग लिविंग थिंग्स इन टू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासीफाइंग। जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको ग्रुप्स में रखना उसको क्या कहेंगे, क्लासीफाइंग कहेंगे। जी उसको क्या कहेंगे, क्लासीफाइंग कहेंगे। इन ऑर्डर टू स्टडी लिविंग थिंग्स इजीली एंड सिस्टमेटिकली वी नीड क्लासीफाई देम। इसको आगे पढ़ते हैं। फॉर लॉन्ग टाइम लिविंग थिंग्स हैव बीन क्लासीफाइड इनटू द प्लांट किंगडम। बहुत सारा अरसे में जो लिविंग थिंग्स होती है उनको क्लासीफाई किया गया था प्लांट किंगडम में एंड द एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम में अकॉर्डिंग टू दियर कॉमन करेक्टरिस्टिक। उनका जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स थे उनके मुताबिक विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसके थ्रू, जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी उसके थ्रू। साइंटिस्ट हैड ऑब्जर्व्ड मोर डिटेल्स इन लिविंग थिंग्स। साइंटिस्टों ने क्या ऑब्जर्व किया, बहुत ज़्यादा जो डिटेल उसकी लिविंग थिंग्स की वो ऑब्जर्व की। एज रिजल्ट्स उसके रिजल्ट के मुताबिक लिविंग थिंग्स आर नाउ क्लासीफाइड इनटू फाइव डिफरेंट किंगडम। जो लिविंग थिंग्स हैं वो अब कितने किंगडम में क्लासीफाई किए गए हैं, मुख्तलिफ पाँच किंगडम्स में उनको क्लासीफाई किया गया है। जी डू यू नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आप जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल जो होता है वो क्या होता है, बेसिक लिविंग थिंग्स का एक यूनिट होता है। जो हम मतलब हमारी जो बॉडी है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, हम भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो जानवर भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, जो भी सांस लेने वाले जो भी होते हैं वो सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। तो वो किसके बने, उसका जो सेल होता है वो उनका बेसिक यूनिट होता है। ये सेल्स आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक। सेल्स को क्या कहते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक क्यों कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बिना वो हमें दिखने में नहीं आते, माइक्रोस्कोप की मदद से उनको हम देख सकते हैं। मोस्ट सेल्स हैव न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। बहुत सारे जो सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस और
सेल वाला होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।